हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टच ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, एक और लेटेस्ट अपडेट आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइनली बोर्ड ने आदेश जारी करके ये स्पष्ट कर दिया है कि कक्षा 10वीं की परीक्षा को रद्द किया गया है और कक्षा 12वीं की परीक्षा को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कक्षा 12वीं की परीक्षा को लेकर कि आपकी जो परीक्षा है उसको कितना बढ़ाया जा सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी परीक्षा को भी रद्द कर दी जाए। इसी वजह से स्टूडेंट्स अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स और कमेंट्स आ रहे हैं और बोर्ड की हेल्पलाइन के नंबर पर भी कॉल्स बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स करके यही सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी परीक्षा को भी रद्द कर दिया जाए। इसी वजह से वो अभी तक अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, आप इस न्यूज को ध्यान से देख लीजिए। यहां पर कहा गया है 12वीं के छात्र पूछ रहे हैं 10वीं की तरह परीक्षा रद्द तो नहीं हो जाएगी, मतलब कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी उम्मीद से हैं और वो भी बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी परीक्षा को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। हेल्पलाइन में 4 माह से 61,500 कॉल आए, रोज 600 से 700 कॉल आ रहे हैं। तो क्या है कुछ पूरी जानकारी, मैं आपको यहां पर पढ़कर बता देता हूं। तो देखिए, यहां पर क्लियर बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिम की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। 12वीं की परीक्षा के संबंध में मंडल द्वारा संचालित हेल्पलाइन में विद्यार्थी खूब सवाल पूछ रहे हैं। विद्यार्थियों को चिंता इस बात की है कि परीक्षा होगी या नहीं। सभी का एक ही सवाल है कि कहीं उनकी परीक्षा भी तो रद्द नहीं कर दी जाएगी। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा की तैयारी में मन नहीं लग रहा है, अब परीक्षा के नाम से तनाव हो रहा है। हेल्पलाइन में 4 माह में अब तक 61,500 कॉल आए हैं, हर रोज़ 600 से 700 कॉल विद्यार्थियों व अभिभावकों के फ़ोन आ रहे हैं। वहीं 10वीं के विद्यार्थी अब रिजल्ट घोषित होने की तारीख पूछ रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट किस डेट में आएगा। हेल्पलाइन की काउंसलर कुछ विद्यार्थियों की 2 से 3 दिन काउंसलिंग कर चल रही है। तो अब देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कोरोना से डर के आ रहे हैं सवाल। तो मतलब कि ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो सवाल यही कर रहे हैं कि उन्हें कोरोना से डर लग रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स किस तरह के कौन कौन से सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, हेल्पलाइन में अधिकतर विद्यार्थी कोरोना के डर के कई सवाल कर रहे हैं। काउंसलर का कहना है कि कोरोना के कारण विद्यार्थियों के मन में डर पैदा हो रहा है, उनकी 2-3 बार काउंसलिंग की जा रही है ताकि उनका मन पढ़ाई में लग सके। लॉकडाउन में 2 गुना हो जाते हैं कॉल, तो मतलब जो कॉल की संख्या है वो भी 2 गुना हो गई। और जो पूछ रहे हैं इस तरह के सवाल, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा पूछे जा रहे हैं। 10वीं की तरह क्या 12वीं की परीक्षा भी रद्द होगी? मोस्टली स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 10वीं की परीक्षा को भी 12वीं की तरह ही रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन कंटिन्यू एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है और कोरोना संक्रमण के केसेज कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हालात अभी सामान्य नहीं हो पाए हैं। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का वेट कर रहे हैं और उनके मन में यही डाउट चल रहा है कि ऐसा तो नहीं कि उनकी भी परीक्षा रद्द कर जाए, जिस तरह से 10th को परीक्षा को रद्द कर दी गई। अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, मतलब ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि 10वीं की तरह क्या 12वीं की परीक्षा भी रद्द होगी, और इसका आंसर ये है कि अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, इस संबंध में कोई भी फैसला नहीं लिया गया। दूसरा सवाल इस तरह का पूछा जा रहा है कि कोरोना के डर के कारण पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, परीक्षा कब होगी ये भी तय नहीं है। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, 12वीं की परीक्षा होगी। तो सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया है कि आपको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी परीक्षा होगी। मतलब ये स्पष्ट हो चुका है कि 12वीं की परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है, उसको ओनली स्थगित किया जा सकता है। अब परीक्षा की तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है, तो पढ़ाई जारी रखें क्योंकि परीक्षा के 20 दिन पहले तारीख घोषित की जाएगी। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी परीक्षा में की तैयारी करने में मन नहीं लग रहा है, तो उसका सिंपल सा आंसर जवाब यही है कि आपकी परीक्षा की अब तैयारी रखें, पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि आपको 20 दिन पहले बता दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम की डेट। जी हाँ, जिस डेट में आपके एग्ज़ाम होंगे उसके 20 दिन पहले आपको नोटिस जारी कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि किस डेट से आपकी परीक्षा हो रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में भी आपको बताया था, अगर आपकी जो परीक्षा है वो परीक्षा आपकी जून के लास्ट में होती है, तो जून के फर्स्ट वीक में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपको नोटिस जारी करके बता दी जाएगा। और अगर जुलाई में जाती है, जुलाई के लास्ट वीक में होती है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको बता दिया जाएगा कब आपकी परीक्षा होना है। लेकिन ओवरऑल आपको 20 दिन पहले इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही परीक्षा कब शुरू होगी? तो देखिए, परीक्षा शुरू होने के 20 दिन पहले निर्देश जारी किए जाएंगे, तो मतलब कि जब लॉकडाउन होगा तो पहले आपको 20 दिन पहले बता दिया जाएगा। परीक्षा नहीं होने से पढ़ाई नहीं हो पा रही, तनाव हो रहा है, क्या करें? परीक्षा होगी, अपनी तैयारी जारी रखें और तनाव ना लें। तो देखिए, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, तो ये बार बार स्पष्ट किया जा रहा है कि आपकी परीक्षा होगी, आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। सिर्फ आपकी परीक्षा को स्थगित किया जा सकता है, आपकी परीक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रद्द होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, ये इस न्यूज़ से क्लियर हो चुका है। तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज होने की और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थोड़ा सा आपको अवॉइड करना होगा, लेकिन आपकी परीक्षा ज़रूर ली जाएगी। जितने भी डाउट्स, जितने भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं,
हैं, सारे सवालों के जवाब लगभग लगभग यहाँ पर बता दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी आपका कोई कन्फ्यूजन और आप मुझसे भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपको एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करूँगा। आई होप दैट ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको पसंद होगी, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।